गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में ऑक्सीजन प्लांट के एक पैनल में तकनीकी खराबी और उसमें धमाके की वजह से दो टेक्नीशियंस जख्मी हो गए हैं। अधिकारियों ने दो टेक्नीशियंस के जख्मी होने की तस्दीक कर दी है। दोनों को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जीएमसी बारामूला की प्रिंसिपल डॉक्टर रूबी रेशी का कहना है कि फिक्र की कोई बात नहीं, ऑक्सीजन प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्लांट के पैनल में तकनीकी खराबी हुई और उसमें धमाका हो गया। जीएमसी की प्रिंसिपल ने कहा कि मामले की तफ्तीश जारी है। इंक्वायरी करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। हाँ, टेक्निकल फॉल्ट आया, हम सबसे कुछ नहीं बोलते। आई डोंट नो कितने मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। आप सुने मेरे बात, यहाँ पर 10 चीजें खराब होती है। कहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इनिशिएट हुआ है, आई विल टेक अ वेरी स्टर्न एक्शन, यू विल जस्ट सी, ठीक है। मगर एंक्वायरी तो करने दीजिए ना, ऐसे मैं बोलूंगी तो वो कुछ गलत भी बोल सकते हैं। और एक और अहम खबर, छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम हुआ। अब तक एनकाउंटर में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि फौजियों ने अब तक 6 नक्सलियों की लाशें बरामद की हैं। जाए वकूअ से कई हथियार भी बरामद हुए हैं।